नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 7 Pro के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Realme 7 Pro में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये ऐप लॉक का दोस्तों ये फंक्शन है जो आपको इस फ़ोन के अंदर ही मिलता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऑन करनी है और आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो। दोस्तों, आप कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हो जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम लाइव। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है। इस सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको आप ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद आपको दोस्तों पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए, आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद नीचे दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आएगा ऐप लॉक, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे में ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो मैं इसे पहले वेरीफाई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन हो रही हैं, ये वो एप्लीकेशन है जिनके ऊपर कोई लॉक नहीं लगा। और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है, शो लॉक ओनली। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये मेरी वो एप्लीकेशन है जिनके ऊपर मैंने ऐप लॉक लगाया हुआ है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऐप लॉक लगा सकते हो। दोस्तों, आपको ऐप लॉक में जाना है। ऐप लॉक में जाने के बाद आपको मैं फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आपको दोस्तों देखिए अमेजन के ऊपर मान कर चलो आपको इस एयरटेल वाले ऑप्शन पर ऐप लॉक लगाना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन ऐप लॉक का, इसे आपको इनेबल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप देखिए, कि मैं आपको ऐप लॉक ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एयरटेल है एप्लीकेशन, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऐप लॉक मांग रहा है, यानी दोस्तों जो मैंने सेट किया था ऐप लॉक पहले ही कर दिया था मैंने। जब आप स्टार्टिंग से ऐप सेट करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है पैटर्न डालने का या फिर दोस्तों कोई पासवर्ड डालने का। और अगर आपने अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट इनेबल कर रखा है तो आप ऐप लॉक के ऊपर उसे भी इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जब मैं इसको फिंगरप्रिंट से इनेबल करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई पासवर्ड, यानी कि दोस्तों आप पासवर्ड से भी कर सकते हो। तो आप अपने यहाँ पासवर्ड डाल दो जो आपने सेट किया होगा, उससे दोस्तों ये इनेबल हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दोस्तों ओपन हो गया। और दोस्तों, इस फ़ोन में ऐप लॉक की सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगाते हो तो दोस्तों उस एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक का कोई भी निशान बना हुआ नहीं आता, जिससे दोस्तों किसी को लगे कि इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई लॉक लगा हुआ है। जब आप उसे ओपन करोगे तभी पता लगता है कि इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई लॉक लगा हुआ है। और दोस्तों, ये ऐप लॉक की दोस्तों ये सुविधा है जी, आपको इस फ़ोन के अंदर इनबिल्टली मिलती है। कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी की आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। जो सिस्टम है दोस्तों ऐप लॉक लगाने वाला, जो आपको फ़ोन के अंदर ही मिलता है, जिसे सिर्फ आपको इनेबल करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।